उत्तर प्रदेश में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद आज से सभी सरकारी प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालय खुल गए हैं और बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं, मगर बच्चों को खुले आसमान में पेड़ के नीचे पढ़ना पड़ रहा। ऐसे नजारा जालौन के नदीगांव विकास खंड के ग्राम भेदपुरा में देखने को मिला, जहां स्कूल खुलने के बाद बच्चों को खुले आसमान में पेड़ के नीचे जमीन पर बैठा करके पढ़ाई कराई रही है। यहां बच्चों को बैठने के लिए कोई भवन तक नहीं है, जिससे बारिश होने पर उन्हें अंदर किया जा सके। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किए जा रहे प्रदेश की बेहतर शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती नजर आ रही है। मैं बेटा अवंतिका। अच्छा, किस विद्यालय में पढ़ती हो? प्राथमिक विद्यालय देवपुरा। अच्छा, आपके यहाँ विद्यालय कैसा है बेटा? टूट गया है करीब 6 महीने से। अच्छा, आप कहाँ पढ़ रही हो? पेड़ के नीचे। कितने समय से पढ़ती हो? 6 महीने। मिड डे मील वगैरह आपको क्या मिल रहा है, किस तरीके से क्या व्यवस्था है? कहीं कोई बनवाने की जगह ही नहीं है। क्या नाम है आपका? मनसाराम, ग्राम प्रधान बदंगा मजरा बरारा और भेदपुरा। अच्छा, आपके यहाँ विद्यालय जो भेदपुरा में है, इस समय किस स्थिति में बना हुआ है? वो बिल्कुल ध्वस्त पड़ा हुआ है। बच्चे परेशान हो रहे हैं, बच्चे पानी बरसता है, बैठने के लिए कहीं जगह नहीं। अच्छा, तो अभी समय बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसी? बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, ऐसे मैदान बैठा के पढ़ा रहे हैं। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। हमारा स्कूल टूट चुका है, इसलिए हम पेड़ के नीचे पढ़ते हैं, और जब बारिश होने लगती है तो हम घर चले जाते हैं, और हमारे और यहाँ पर खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं है। कितने समय से है लगभग? जगह न मिलने के कारण खाना नहीं मिल पाता। कभी जगह न मिलने के कारण खाना भी नहीं मिल पाता, बन पाता इसलिए हम घर चले जाते हैं।